पिछले 3-4 दिनों से हो रही थोड़ी थोड़ी बारिश होने से यमुनानगर के नाहपुर गांव में उस समय एक घर की कच्ची छत, जब उसके नीचे घर में 7 लोग बैठे थे, अचानक छत का गार्डर मुड़ना शुरू हुआ और जैसे छत नीचे गिरने लगी तो सभी लोग भाग निकले, लेकिन वहीं पर 2 बच्चे और उसके पिता छत के नीचे दब गए। गाँव वालों ने जल्दबाजी में बच्चों को बाहर निकाला, जिसमे से एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई, दूसरे को काफी चोटें आई और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार से कच्ची छत के लिए कॉलोनी की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक नहीं मिली। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कच्ची छत के लिए भी पैसे नहीं है। छत कच्ची होने की वजह से टूट गई। अच्छा, ये मेरे चाचा के लड़के हैं, इनके सिर पे बाप नहीं है और भाई यहाँ दो तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, बस ठीक है, 3 बच्चे हैं, एक बच्चा एक्सपायर हो गया, अभी लड़की दब गई और इंतकाल हो गया उसका, वो यहीं पर है, उसको चोट लगी हुई है, एक हॉस्पिटल में गया है, उसको उसके बाप को ज़्यादा चोट लगी है सर में। छत गिर गई, सारी कच्ची छत थी, बहुत दिनों तक कह रहे थे जी कॉलोनी मिल नहीं रही हमें, बहुत दिनों कच्ची छत थी हमारी, रोज बरसात हो गई थी, जग चुए थे सारे अंदर बैठे थे, एकदम गाटर मोड़ा, पता लगा सारे बाहर आ गए, 2 बच्चे अंदर दब गए, 7 लोग अंदर थे जी, 3 पाई जी, 2 चोट लगी, एक की मौत होगी, एक की मौत होगी जी, हाँ जी, सबको कह रहे जी। कितने दिन से आप कॉलोनी के चक्कर में घूम रहे थे? कई साल हो गए जी, नहीं जब से सबके कॉलोनी मिली, जब हम फार्म भर रहे, जब से कह रहे हमारे पूरा ग्रांट मिल जा हमारे घर बन जा, बनी रहे जी, कोई मिली नहीं रही हमारी कॉलोनी। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।